हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हर्षोल्लास के साथ बनाया विश्व आदिवासी दिवस। समीपवर्ती कल्डरी आदिवासी क्षेत्र में विश्व आदिवासी दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम हुए। गरासिया मीणा भील समाज के लोगों ने अपने हाथों में आदिवासियों की शान शस्त्र लहराते हुए डीजे की धुन पर साथ नाच गाना किया। वहीं आदिवासी एकता जिंदाबाद, जय जोहार, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान के नारों के साथ में आदिवासी क्षेत्र में पहाड़ी इलाके गूंज उठी। वहीं रैली के रूप में गांव के आसपास नजदीकी आदिवासी क्षेत्रों में बाइक रैली निकाली गई, जिसमें अधिकांश संख्या में लोगों ने पहुंचकर एकता का परिचय दिया। वहीं आदिवासी लोगों में खासा उत्साह देखा गया। साथ ही नवगठित ग्राम पंचायत में पौधारोपण कर विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। इस दौरान सरपंच कमूरी देवी, सरपंच प्रतिनिधि थावराराम गरासिया, थाना राम भील, केसाराम गरासिया, समस्त वार्ड पंचगण, पूर्व पंचायत समिति सदस्य कांग्रेस एसटी, प्रकोष्ठ ब्लॉक अध्यक्ष मंगल कुमार मीणा, मोहन लाल, सोना राम, सोहन लाल, लाला राम, राकेश मीठा राम, ऋतिक मीणा, चमना राम गरासिया, दिनेश कुमार मीणा, सोना राम भील, छगन राणा आदि महिलाएं एवं पुरुष युवा मौजूद रहे। थावरा राम गरासिया ने आदिवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें एकजुट रहना होगा और आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए संगठित होने की आवश्यकता है। हम जल्द स्थानीय विधायक संयम नोड़ा कलेक्टर के समक्ष अपनी मांग रखेंगे और इस क्षेत्र पहाड़ी इलाके में पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी नौकरियों से वंचित रहते हैं। ऐसे में शिवगंज ब्लॉक के विभिन्न गाँव जहाँ आदिवासियों की संख्या ज्यादा है, उस गाँव को TSP एरिया घोषित करवाने की मांग की जाएगी। सदस्य मीणा ने आदिवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जल्द स्थानीय विधायक संयम नोड़ा से मिलकर आदिवासी क्षेत्र की समस्या से अवगत कराते हुए विभिन्न इलाकों को TSP में शामिल करने की मांग की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया हमें नशा मुक्त रहना चाहिए। आजकल की युवा पीढ़ी नशे में अपना जीवन समाप्त कर रही है। कम उम्र के बच्चों में बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, शराब आदि नशे की लत पड़ रही है। ऐसे में उन पर माता पिता दबाव बनाए रखे। शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासी लोग काफी पिछड़े हुए हैं। पढ़ाई में हमेशा आगे रहना चाहिए। आदिवासियों को जागरूक करने के लिए विभिन्न गाँव में आदिवासी दिवस मनाया जाना चाहिए। जागरूक टीवी के पोसालिया से कल्पना माली की रिपोर्ट।